दोस्तों गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले सादर नमन महागुरु प्रोफेसर सर को, गुरु माता को और हम सबके परम आदरणीय मेंटर अपलाइन डॉक्टर एस रंजन सर को। और दोस्तों आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जबरदस्त बधाई देना चाहता हूँ आप सभी को, हम सभी को, कल के जो अचीवमेंट के लिए, कल जो अचीवमेंट हम लोगों ने किया है, एक जबरदस्त बधाई डॉक्टर लिम को। इतनी बड़ी उपलब्धि इम सैम के साथ एग्रीमेंट, दोस्तों हम अंदाजा नहीं लगा सकते डॉक्टर लिम ने हमें क्या दे दिया है, कितनी बड़ी चीज दे दी है। आज दुनिया की कोई नेटवर्क कंपनी इस उपलब्धि के साथ नहीं खड़ी है जो डॉक्टर लिम ने हमें दिया है। और साथ ही साथ एक और खुशखबरी अभी फेसबुक पे फ्लैश हो रही थी कि 1 करोड़ हमारे फैमिली मेंबर्स दुनिया भर में आज के डेट में हो चुके हैं दोस्तों। तो इन सारी खुशखबरियों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि आज का जो करंट सिनारियो है, देश की जो वर्तमान स्थिति है, बेरोजगारी कुछ नया मुद्दा नहीं है, पुराना मुद्दा है, बहुत दिनों से इसे देश झेल रहा है, दुनिया झेल रही है, बस इसका इलाज क्या है। लेकिन ये बेरोजगारी का इलाज क्या है, इसको जानने से पहले हमें एक चीज को समझना है जिसको बोलते हैं माइंडसेट। अगर माइंडसेट आपको समझ में आता है तो ये बेरोजगारी का इलाज भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज बदलने वाली नहीं है। दुनिया में हर चीज आपके माइंडसेट के साथ बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते कि आप अपना माइंडसेट बदलने को तैयार हो। तो माइंडसेट की मैं बात करूंगा दोस्तों, और थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूं मैं, शायद सभी लोग इससे परिचित नहीं होंगे पर बहुत सारे लोग परिचित होंगे कि दुनिया का फास्टेस्ट प्रोसेसर कौन सा है। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं, वहां जाकर के क्या डिस्कस होता है कि मुझे बेहतरीन से बेहतरीन मोबाइल चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन लैपटॉप चाहिए। और जब ये आप डिमांड करते हैं तो आपको वहां बताया जाता है कि किस मोबाइल में, किस लैपटॉप में कितना बेहतरीन प्रोसेसर लगा है, और जितना बेहतरीन प्रोसेसर वहां पे लगा होगा वो लैपटॉप उतना ही बढ़िया काम करता है। और अगर फास्टेस्ट प्रोसेसर की बात की जाए तो आप गूगल पे जाके ढूंढ सकते हो, मोबाइल की दुनिया में आप जाओगे तो क्वालकम के प्रोसेसर बहुत ही मशहूर है, कई सारे नाम है टॉप लिस्टेड में। अगर हम लोग कंप्यूटर्स की बात करेंगे, मोबाइल की बात करेंगे तो इंटेल के, राइजन के, लेकिन ये दोस्तों जितने भी प्रोसेसर है ना हर 6 महीने में बदल जाते हैं। अभी 845 चल रहा है तो कुछ दिनों में 865 आ जाता है, 865 आया नहीं कि 875 की तैयारी शुरू हो जाती है। इन सारे प्रोसेसर को डेवलप कौन कर रहा है? इसको डेवलप करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसर है, और वो है आपका माइंड। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर अगर कोई है तो दोस्तों वो है आपका माइंड। और ये क्या करता है? ये भी प्रोसेस करता है सेम आपके कंप्यूटर की तरह, आप जो डालोगे वो निकलेगा। इनपुट और आउटपुट का बहुत ज्यादा संबंध है। आप तो इस प्रोसेसर की पावर को हमें समझना है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कैसी लाइफ जिएंगे, आप किस गाड़ी में चलेंगे, आप कैसे घर में रहेंगे, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, इट ऑल डिपेंड्स आपके माइंडसेट पे। आपके माइंडसेट पे सारी चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि एक
अमेरिका के सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर भी हैं वहां पे। ये क्या बोलते हैं, जोनाथन हेड, ये बोलते हैं द ह्यूमन माइंड इज ए स्टोरी प्रोसेसर नॉट अ लॉजिक प्रोसेसर। इसको ज्यादा टेक्निकली मत लीजिए। आप लोगों ने वो रहस्य किताब के बारे में सुना होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा है और क्या सीखा है कि आपका दिमाग, आप अगर बोलते हैं कि मुझे कार चाहिए या कार नहीं चाहिए, तो ये नहीं को नहीं सुनता है। अगर आप कार के बारे में इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग बस कार के बारे में सोचता है, नहीं उसे समझ में नहीं आता, ये लॉजिक नहीं लगाता, ये स्टोरी को प्रोसेस करता है। तो इसके प्रोसेस के सिस्टम को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी जिंदगी, अपने माइंडसेट को चेंज करके बदल सकते हैं। और ये दोस्तों माइंडसेट जो है ना, इसको दो चीजों से आप बदल सकते हैं, आपकी आदत, आपकी संगत। और चूंकि ये टॉपिक नहीं है आज का, मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। आदत की अगर मैं बात की जाए तो चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। ये हम लोगों ने निश्चित रूप से कभी ना कभी लाइफ में सुना होगा कि एक बार अपनी आदत बदल लें तो योर हैबिट्स विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। आज आप आदत बदलो और ये आदतें कल को आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगी। आपकी आदतों में इतनी पावर है दोस्तों, क्योंकि कोई भी बड़ी सफलता छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी जो है ना एक झटके में सक्सेस हो जाता है, उसकी छोटी छोटी आदतें। सचिन तेंदुलकर इतने सफल हैं, लेकिन क्यों? छोटी सी हैबिट है, रोज सुबह उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये उन्होंने बार बार कर करके हैबिट डेवलप कर लिए। तो लाइफ में कोई भी हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं और ये हैबिट कल को आपकी जिंदगी बदल सकती है। और इसके बाद आती है संगत। दुनिया के एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही सफल इंटरप्रेनर, नेटवर्कर जो कह लीजिए आप, जिम रॉन, ये क्या बोलते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है, आप 5 जिन लोगों के साथ में अपनी जिंदगी बिताते हैं ना, उनका एवरेज। तो आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, इसका आपकी जिंदगी पे बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। और जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं तो इसको थोड़ा सा और बेहतरीन शब्दों में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी एक नेटवर्कर है और ये क्या बता रही है कि शो मी योर मेंटर एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। आप किसकी संगत में हो, आप किससे राय लेते हो, आपका मेंटर कौन है, उसका आपके लाइफ में प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर ये दो चीजें हम लोग बदल लेते हैं, आदत और संगत, यानी अपने माइंडसेट को चेंज करने को तैयार हो जाते हैं, तो हम नए रिजल्ट के लिए तैयार हो गए। हमें रिजल्ट भी नया मिलेगा क्योंकि हमने माइंडसेट को बदल डाला है। और दोस्तों आज का जो ये पूरा प्रोग्राम है, बेरोजगारी, जब तक आप ओपन माइंडसेट के साथ इस प्रोग्राम को नहीं देखेंगे ना, आपके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो सबसे पहला खेल है कि एक ओपन माइंडसेट के साथ हमें यहाँ पे बैठना है और चीजों को समझना है। खास तौर से जो लोग नए हैं, आज जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, नए लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा ओपन माइंडसेट के साथ आने वाले स्लाइड्स को आप देखें। क्योंकि दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो आज के डेट में आज कोई भी युवा, उसके सामने जब कैरियर की बात आती है तो बस एक चीज निकल के आती है, कौन सी चीज, नौकरी। कैरियर मतलब नौकरी, ये हमारा क्या है, ये माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट, हम लोगों ने भी बात की ना, माइंडसेट किन चीजों से डिसाइड होता है, आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह की संगत में रहते हैं। तो हम जिस संगत में रहते हैं ना,
वहां पे क्या है, नौकरी करने वाले लोग हैं, रोजगार करने वाले लोग हैं, दुकान खोलने वाले लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से इतिहास लिखने वाले लोग नहीं है। तो यही लोगों से मिल करके, इसी संगत की वजह से हमारा माइंडसेट क्या बना हुआ है, नौकरी। तो कैरियर का मतलब हम क्या समझते हैं, नौकरी। और आज की डेट में अगर नौकरी की बात की जाए, तो आप नौकरी मांगने जब जाओगे ना, तो आपको जज किया जाता है कुछ खास चीजों के ऊपर में। सबसे पहली चीज कि आपके पास डिग्री कौन सी है। जैसी आपकी डिग्री वैसा आपका जॉब। लेकिन बहुत बार तो डिग्रियां होते हुए भी जॉब नहीं मिल पाती है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन फिलहाल एक आवश्यकता है कि डिग्री होनी जरूरी है। और यही वजह है कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके भी एमबीए कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्यों? माइंडसेट क्या है, क्या चाहिए उनको, एक नौकरी चाहिए। दूसरी चीज देखी जाएगी, वो वहां पे आपकी एज क्या है। क्योंकि हर नौकरी के लिए ना एक उम्र की क्राइटेरिया फिक्स कर दी गई है। इस एज में आपको 18 साल में, इस नौकरी के लिए आपको 18 साल में एलिजिबल हो जाते हैं, किसी नौकरी के लिए 20 साल में, और ज्यादा से ज्यादा शायद 40 से उम्र तक आपको नौकरियां मिलने की संभावना है, या पता नहीं 40 से पहले ही शायद खत्म हो जाती है 35-38 तक। यानी एक उम्र के बाद आपको नौकरी मिलने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तीसरी चीज आती है आपकी पर्सनालिटी। आजकल इंटरव्यू होते हैं, आपने रिटेन पास कर लिया, आपके पास डिग्री बढ़िया है, अब आप जाओ, अब आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होगा। आप बात कैसे करते हो, आप चीजों को हैंडल किस तरह से करते हो। अगर ये गुण आप में कम है, फिर आपको नौकरी मिलना मुश्किल है। तो तीनों टेस्ट आपको पास करना होगा, डिग्री होनी चाहिए, एज सही होना चाहिए, और आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। चौथी चीज होती है आपका एक्सपीरियंस, कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, कितना अनुभव आपने गेन किया हुआ है। जितना ज्यादा अनुभव अनुभवी आप होंगे, आपको आने वाले समय में उतनी बढ़िया नौकरी मिल सकती है। यानी इन सारी चीजों पे आपको जज किया जाएगा। और बाय द वे, अगर सारी चीजें आपके पास नहीं है, डिग्री अच्छी नहीं है, एज नहीं बची है, पर्सनैलिटी आपकी इतनी बढ़िया नहीं है, और एक्सपीरियंस आपके नहीं है, तो ये सब अगर ना हो ना दोस्तों, तो नौकरी के बाजार में आपकी कीमत क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, नौकरी मिलना आपके लिए मुश्किल। पैर घिसते रह जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी। और दोस्तों हम लोग रहते हैं भारत देश में, हमारा प्यारा भारत देश। और दोस्तों भारत में बेरोजगारी से भी बड़ी एक समस्या है, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयबिलिटी। यानी कि ऐसे लोग जो डिग्री वाले तो हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है, नौकरी के काबिल नहीं है। और आपको पता है कि हमारे देश में हर साल कितने लाख ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग, 50 लाख, मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट पर ईयर। ये कितना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 50 लाख स्टूडेंट हर साल आ रहा है दुनिया में। क्या सपना लेकर के, एक नौकरी चाहिए। उसको घर में क्या आशीर्वाद मिल रहा है, बेटा मन लगा के पर नौकरी कर। इस भीड़ में हर साल 50 लाख लोग आ रहे हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट है, ये क्या बोलती है कि हु आर इंडियाज अनएम्प्लॉयड, भारत में अनएम्प्लॉयड कौन है। डाटा इमर्जिंग फ्रॉम सेंसस 2001 2011 की जनगणना के हिसाब से जो सजेशंस दिए गए हैं, ये बता रहा है कि
अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई अमंग द बेटर क्वालिफाइड. जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेटर क्वालिफाइड लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो इनके यहां ज्यादा है, ऐसे लोगों में ज्यादा है. और हम लोग इसका एग्जांपल अपने लाइफ में देख सकते हैं, अपने आसपास दे सकते हैं दोस्तों, कि कई सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़के घर घर जाके 2 घंटे 4 घंटे ट्यूशन पढ़ा करके 1000-1500 रुपए महीना पर काम कर रहे हैं. अगर 4 घर में पढ़ा रहा है ना, तो 1500 रुपया एक घर से ले रहा है, 4 घर में जा रहा है, 6000 रुपया महीना. और एक मजदूर क्या करता है, वो डेली काम करता है, 400-500 रुपया कमाता है. वो महीना में 500 अगर डेली कमा रहा है ना, तो 15000 रुपया कमा रहा है. ये सच्चाई है कि पढ़ा लिखा आदमी के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है आज के डेट में दोस्तों. और इसके पीछे वजह क्या है, सिंपल सी वजह है, माइंडसेट. वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज आर डाइंग टू बिकम ऑर्डिनरी. हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे एक डिग्री होल्डर, इसने MBA किया हुआ है, इसने डबल MBA किया हुआ है, जिसने इंजीनियरिंग की हुई है, अगर ये भी चपड़ासी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप इसको क्या कहोगे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बनने के लिए मर रहा है नहीं मर रहा है? और दोस्तों ये क्यों हो रहा है, एक इंजीनियरिंग का डिग्री लिया हुआ लड़का प्यून का जॉब अप्लाई क्यों कर रहा है, ये माइंडसेट है. उसने इंजीनियरिंग इसलिए नहीं की थी कि उसका इंजीनियर बनने का सपना था, इंजीनियरिंग में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं थी, उसने बस एक डिग्री ले ली चूंकि डिग्री लेना उसकी मजबूरी थी, भेड़ चाल में शामिल था, सारे दोस्त फॉर्म भर रहे थे उसने भी भर दिया, घर वालों का दबाव था, बेटा इंजीनियर बन बन गया, लेकिन स्किल्ड इंजीनियर नहीं बन पाया. यानी डिग्री होते हुए भी वो एप्लीकेशन किस चीज की डाल रहा है, चपरासी के लिए डाल रहा है. ये माइंडसेट का गेम है दोस्तों. अगर इंजीनियरिंग से उसका लगाव होता, उसका पैशन होता, वो लाइफ में कभी प्यून की नौकरी के लिए नहीं जाता. इंजीनियर्स एंड MBAs अप्लाइंग फॉर वॉचमैन जॉब. आप इंटरनेट पे ढूंढने जाओ, आए दिनों पेपर में तो पढ़ते ही होगे, भरी हुई है जानकारियां. अब इंजीनियरिंग और MBA किया हुआ लड़का अगर वॉचमैन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने किस माइंडसेट से MBA किया होगा, किस माइंडसेट से इंजीनियरिंग किया होगा, ये सोचने वाली बात है. 707 पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार. MBA, MCA वाले भी मोची माली धोबी बनने की रेस में. हेलो, 707 ही पोस्ट हैं. अप्लाई कितने लोगों ने किया है, 7.5 लाख, 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है. और वो भी किस चीज की जॉब है, मोची माली धोबी. MBA, MSc पास डिलीवरी बॉय बनने की कतार में. मैंने शुरू में ही बताया था दोस्तों, अगर ओपन माइंड से आप इस प्रोग्राम को नहीं देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. ये माइंडसेट का गेम है. क्या सोच के उसने MBA किया, क्या सोच के उसने MSc किया, अपने आप में भरोसा नहीं है. बीटेक पास मांग रहे स्वयं सेवक की नौकरी. और ये तो कविता ही हो गया, MA पास चपरासी बनने की आस. माइंडसेट, हाई स्किल की नौकरी के लिए PhD वालों का कतार, बीटेक पास लगाएंगे झाड़ू. बेरोजगारी में युवा नगर निगम की सफाई कर्मी बनने के लिए भी तैयार हैं. अल्टीमेट गोल क्या है इनका, उन्होंने बीटेक क्यों किया था, जबकि अल्टीमेट गोल है कि कैसे भी करके कुछ तो आ जाए.
इस छोटे से गोल के साथ इन्होंने लाइफ में बीटेक किया है। 3.7 के पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर मैसेंजर्स जॉब। हिंदी से लेकर अंग्रेजी पेपर तक कुछ भी उठा लो, 3,700 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर पीएन जॉब। चपरासी के पद के लिए आए 3,700 पीएचडी धारक। चपरासी बनने के लिए 1,400 इंजीनियर ने दी परीक्षा। ये बहुत लंबी लिस्ट है। दोस्तों सिंपल चीज है, ये सारा गेम किस चीज का है? माइंडसेट का। माइंडसेट का गेम है ये सारा कुछ, जिसकी वजह से लाइन लगी हुई है। कहां पे? पांचवी पास पद के लिए डिग्री धारी आवेदक, ग्रेजुएट पीएचडी बीएस बीटेक और लॉ किए हुए लड़कों ने भी अप्लाई किया है। ये हाल है देश के अंदर। और क्यों डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं चपरासी? अभी कहीं से कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया कि देश पर दया करो, मत बनो इंजीनियर। ये कोर्ट का कहना है। अगर इंजीनियर बनके भी झाड़ू देने वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इंजीनियर मत बनो और देश के ऊपर अप्लाई करो। तो ये दोस्तों देश का सीन है। और ऊपर से सोने पे सुहागा। आप लोगों ने विवेक बिंद्रा जी की ये वीडियो शायद देखी होगी, या नहीं देखी होगी जरूर देखिए। वो बता रहे हैं कितने टाइप्स के नौकरी हैं जो आने वाले समय में खत्म होने वाले हैं। किसकी वजह से? रोबोट की वजह से। क्योंकि अभी अभी कल परसों हम लोगों ने न्यूज में देखा होगा, परसों कि कई सारे कंट्रीज में पिज्जा हट वालों ने, क्योंकि अभी कोविड की वजह से हमें चीजों को टच कम से कम करना है और खाने पीने की चीजों का तो विशेष ध्यान रखना है, तो ऐसी हट में पिज्जा हट वालों ने क्या किया है कि अपने जो उनके शॉप्स होते हैं वहां पे उन्होंने बाजाब्ता रोबोट्स लगा दिए हैं। आदमियों की छुट्टी, ऑर्डर लेने वाला भी रोबोट है, ऑर्डर प्रिपेयर करने वाला भी रोबोट है और ऑर्डर आप तक पहुंचाने वाला भी रोबोट है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए जब ऐसी नौबत आ गई आज कोविड में, क्या हुआ? नौकरी से छुट्टी मिल गई। तो दोस्तों ये सीन है हमारे देश का। तो अगर भारत की बात की जाए हम लोग, तो ये गांव का देश है। 70% आबादी हमारी कहां पे रहती है? गांव में रहती है। अशिक्षा की अगर बात की जाए तो लगभग 20-25% लोग हमारे देश में कैसे हैं? अशिक्षित हैं। और मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट पर ईयर। ऐसी हालत में भी जहां पे 25% लोग अशिक्षित हैं, फिर भी 50 लाख स्टूडेंट हर साल क्या होते हैं? ग्रेजुएट होते हैं। ये कितनी बड़ी संख्या है। यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हैं कुछ देशों के नाम, सिंगापुर, डेनमार्क, फिनलैंड, स्लोवाकिया, कांगो, नॉर्वे, कोस्टा रिका, ओमान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। दोस्तों ये जो ग्रेजुएट्स की आबादी है ना, 50 लाख लगभग इन देशों की आबादी है। आप सोच सकते हो कि भारत के अंदर हर साल एक सिंगापुर जैसा देश बेरोजगार क्रिएट होता है पॉपुलेशन के मामले में, एक डेनमार्क जैसा देश, फिनलैंड जैसा देश, स्लोवाकिया जैसा देश, ओमान जैसा देश। इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ ऐड होते चले आ रहे हैं साल दर साल। आपकी लास्ट लाख एक्सपेक्टेशन हो गवर्नमेंट से, एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो गवर्नमेंट ऐसा क्या करेगी जो हर साल इन 50 लाख लोगों को रोजगार दे पाए। अपने दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। क्योंकि हम लोग बढ़े भी जा रहे हैं किस स्पीड से, भारत का पॉपुलेशन वॉच है। ये कुछ महीनों पुरानी तस्वीर है, करंट नहीं है, आज की नहीं है।
बट ये घड़ी जब आप देखेंगे इंटरनेट पे अवेलेबल है, भारत की पॉपुलेशन वॉच, आप जाइए और देखिए, जस्ट कुछ मिनट के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद आप चेंज करेंगे ना, आंकड़ा बदल जाता है। इतनी तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं भारत के अंदर। हमारे देश में हर 1.5 सेकंड में कहीं ना कहीं बधाई दी जा रही होती है, हर 1.5 सेकंड में एक नया नौकरी मांगने वाला बंदा पैदा हो जाता है इस भारत देश की धरती पर, और हम सालाना लगभग 1% की दर से बढ़ रहे हैं। यानी अगर इसको भी संख्या में देखा जाए तो कई सारे जो छोटे छोटे देश हैं, आप राइट साइड में देख सकते हैं नाम, ये जो छोटे छोटे देश है ना, ये सालाना जनसंख्या के रूप में भारत के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। यानी सिर्फ ग्रेजुएट ही एक देश की संख्या लेके नहीं आ रहे हैं, पैदा होने में भी कई छोटे छोटे देश हर साल भारत के अंदर में ऐड होते चले जा रहे हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए, गवर्नमेंट ऐसा क्या करेगी कि इन सबको रोजगार मिले। हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा, इस नौकरी वाली माइंडसेट से निकलना होगा, कुछ नया सोचना होगा, नौकरी मांगने वाले से निकल के नौकरी देने वाला बनना होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो एजुकेशन का भी सिस्टम है ना, ये एक ऐसा धंधा है जहां पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, किसी भी कोचिंग से इंजीनियरिंग की ट्यूशन ले लो, किसी भी कोचिंग से डॉक्टरी की कोचिंग ले लो, कोई भी कोचिंग ले लो, वो आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की गारंटी कभी नहीं देता। तो ये धंधा में कहीं गारंटी नहीं है। आप डिग्री लो, रोड पे आ जाओ, जॉब सेंटर पे लाइन पे लग जाओ, और इस तरह से ये देश चल रहा है। 50 लाख लोग हर साल ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, 1% नए लोग हर साल पैदा होके आ रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप नौकरी मेंटेलिटी में बैठे हुए हैं, आप देश के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बोझ बन सकते हैं और कुछ नहीं। आप गाली दे सकते हैं सरकार को और कुछ नहीं। तो देश के लिए कुछ करना है दोस्तों, तो हमें अपने माइंड सेट को सबसे पहले चेंज करना होगा। अब सिंपल चीज है दोस्तों कि हमारी 70% आबादी गांव में रहती है, आप इस सीन को बदल नहीं सकते। हमारे देश में लगभग 25% लोग अशिक्षित हैं, 50 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, और 100 में 20 भी रोजगार के लायक नहीं है। अनएम्प्लॉयबिलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम। और इन सब के ऊपर सोने पे सुहागा, या कह सकते हैं कोढ़ में खाज, महंगाई डायन खाए जाते। अभी महंगाई नाम की प्रॉब्लम से कौन कौन ग्रस्त नहीं है? क्या ये पढ़ा लिखा अनपढ़ शहर वाला गांव वाला देखती है? नहीं, ये किसी को नहीं देखती है। ये अपने रफ्तार से बढ़ती जा रही है। फिर रास्ता क्या बचता है? क्या रास्ता बचता है हम सबके पास दोस्तों? ये सारे प्रॉब्लम पिछले कई सालों से हम लोग जूझ रहे हैं दोस्तों। आज की बात कीजिए अगर, तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, कोड में खाज, यानी प्रॉब्लम आपकी पहले से थी, अभी वो प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है और विश्वव्यापी हो गई है। जो वर्तमान सिनारियो है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, और जो हम लोगों ने पिछले लगभग 3 महीनों से देखा है, झेला है, कि पूरी दुनिया आज बेरोजगारी दोस्तों सिर्फ भारत की समस्या नहीं रह गई है, ये एक वर्ल्ड वाइड समस्या बन चुकी है, विश्वव्यापी समस्या। आज पूरे दुनिया को अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये मंदी जो आई है ना दोस्तों, इसका विकराल रूप अभी बेरोजगारी के रूप में
हम सबके सामने आने वाला है, आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी सारी नौकरियां जा रही हैं, कितने सारे लोग लीव पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ और 22 मार्च को ही उन कंपनी ने छुट्टी दे दी, 22 मार्च को अब तक का सैलरी दे करके बाकी पैसा काट लिया, छुट्टी दे दिया, लीव दे दिया। ऐसे लोग हैं। तो ये मंदी ने क्या किया है, पूरे दुनिया की कमर को तोड़ के रख दिया है। और जो प्रॉब्लम हम लोग पहले से ही ग्रस्त थे, आज ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने जा रही है। आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। पिछले सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और ये समय दूर नहीं है दोस्तों, ये नजारा दिखना शुरू हो गया है। हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे सामने। हर किसी को आज किस चीज की तलाश होने वाली है, जॉब की तलाश। यहां तक कि 3 महीने पहले तक जिनके पास जॉब थी, 3 महीने पहले तक दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास जॉब थी, कम मात्रा में लोग बेरोजगार थे। लेकिन आज जो नौकरी वाले थे ना, वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। यानी बेरोजगारी आज जितनी बड़ी समस्या है, पहले कभी नहीं थी। ये देश के सामने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। और इस चुनौती में दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यहां 2 हाथ हैं, एक देने वाला और इतने सारे लेने वाले। आपको सोचना है आपको क्या बनना है। आपकी नौकरी चली गई है, कोई बात नहीं है। आप नौकरी की तलाश में हैं, कोई बात नहीं है। आप जिस फील्ड में हैं, जहां भी हैं, बस एक चीज सोचिए कि आने वाले समय में मुझे कहां पे होना है। इसमें से कौन सा हाथ आपका होगा, आप देने वाले होंगे या मांगने वाले होंगे। अपने माइंडसेट को यहीं पे बदलना है कि मैं इसमें से कौन होने वाला हूं, देने वाला, मांगने वाला। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई दोस्तों ना, आप सिर्फ अपनी नहीं, आप इस देश की और इस दुनिया की जिंदगी, इस दुनिया की किस्मत, इस दुनिया की अर्थव्यवस्था के मूवमेंट की वजह बन सकते हो। सिर्फ एक चीज डिसाइड कर लो कि मैं कहां पे होने वाला हूं। इतने सारे हाथों में मेरा हाथ कौन सा होगा। और दोस्तों, ये दुनिया यहीं से बदलेगी जब आप बदलाव करेंगे। और ऐसा ही एक रास्ता मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा रास्ता जहां पे आपकी डिग्री नहीं पूछी जाएगी, जहां पे आपका उम्र नहीं पूछा जाएगा, जहां पे आपकी पर्सनालिटी नहीं देखी जाएगी और जहां पे आपका एक्सपीरियंस भी नहीं देखा जाएगा। आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस होल्डर हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे थे तो भी बहुत अच्छी बात है। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर जितनी भी हो, डजेंट मैटर। आपके पास डिग्री है या नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, डजेंट मैटर। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कौन सा रास्ता है दोस्तों, ये रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता, ये रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता, जो रास्ता पूरी दुनिया को नई राह दिखा सकता है। क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में इस इंडस्ट्री ने अपना दमखम दिखा दिया है। जहां पे करोड़ों करोड़ रुपए लगा करके जो बिजनेस करे थे वो ठप हो गए थे, रुक गए थे, इनकम बंद हो गई थी, वहां पे इस मामूली से दिखने वाले बिजनेस में, छोटा सा बिजनेस, किसी ने 500 में शुरू किया है, किसी ने 1500 में शुरू किया है, किसी ने 2500 में शुरू किया है, ये छोटा सा बिजनेस जो भी कर रहा था ना लॉकडाउन में, उसको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ा है।
ये पावर है इस इंडस्ट्री की दोस्तों। और इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको राय लेनी है तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि माइंडसेट आपका तभी चेंज होगा जब राय आप सही आदमी से लेंगे, आपका मेंटर सही होगा। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में राय लेनी है ना, तो दिग्गजों की राय लीजिए। आप अपने मोहल्ले के किसी ऐसे आदमी से राय लोगे जिसने कभी नेटवर्क किया नहीं है, कभी डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं है, वो आपको कभी भी सही राय नहीं देगा। आपके घर में कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रिंसिपल हो, डजंट मैटर, अगर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको राय देने का ना तो अधिकार है ना तो उनके पास नॉलेज है। आपको सही नॉलेज चाहिए तो इन दिग्गजों से लीजिए, बिल गेट्स से लीजिए। बिल गेट्स क्या बोलते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों ये बोलते हैं कि अगर किसी वजह से मैं दोबारा शुरू करने का मौका मुझे मिलता है लाइफ में, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। इन्हें इसकी पावर पता है। ये इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को खास बना सकती है। दोस्तों अगर आपको राय लेनी है तो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी से लीजिए। दुनिया के इतने बड़े ऑथर, दुनिया के इतने बड़े बिजनेस कोच, इन्होंने कई बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी है। इन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये क्या बोलते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क। दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं ना, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो नेटवर्क बनाने में यकीन रखते हैं, आम आदमी काम ढूंढता रहता है। आपको राय चाहिए, इनकी राय लीजिए। आप गूगल पे जाइए, इनकी किताबें मांग के पढ़िए, ये आपको सही राय देंगे। आपके मोहल्ले में कभी सही राय नहीं मिल सकती। आपको सिखा वही सकता है जो इस इंडस्ट्री में है, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। दोस्तों आपको राय लेनी है तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति से लीजिए, बिल क्लिंटन से लीजिए। कितने प्यारे शब्द बोल रहे हैं, कि योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। आई थैंक यू फॉर कीपिंग इट स्ट्रॉन्ग फॉर सो मेनी पीपल एंड एक्सपेंडिंग इट टू मोर मिलियंस ऑफ पीपल। ये धन्यवाद बोल रहे हैं इस इंडस्ट्री को। यार क्या इंडस्ट्री है जो लोगों के जिंदगी को इतना प्रभावित करती है, एक आम आदमी को खास बनने का मौका देती है। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी रॉबर्ट कियोसाकी के साथ मिलकर इन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी हैं। और इनकी क्या राय है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ये बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल्स इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। ये बरसों से टेस्टेड है, पुराना मेथड है, कुछ भी नया नहीं है। ये राय किनकी है, डोनाल्ड ट्रंप की राय है। दोस्तों अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में राय चाहिए, आपको इन लोगों से राय लेनी चाहिए। आप मोहल्ले में राय लेने जाओगे, सही राय कभी नहीं मिल सकती है। आर्ट जोनक बहुत ही बड़े एंटरप्रेनर, बहुत ही बड़े नेटवर्क मार्केटर, ये क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज नो लॉन्गर ऑन ट्रायल। ये अब ट्रायल वाला बिजनेस नहीं रह गया है, ये ट्रायल वाला मॉडल नहीं रह गया है। इट इज प्रूवन, ये एक बेहतरीन प्रोफेशन है, ये प्रूव हो चुका है। और दोस्तों ये प्रूव हो चुका है, इसका सबूत है कि आज इतने लिटरेट लोग, प्रोफेसर वसुपाल इतने लिटरेट गोल्ड मेडलिस्ट, अपना नौकरी छोड़कर डीएक्सएम क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर एस रंजन, इतने बड़े डॉक्टर, इतने सारे लोग हमारे पास हैं, एक से एक क्वालिफाइड लोग, ये अपनी जॉब, अपनी नौकरी छोड़कर डीएक्सएम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है दोस्तों कि ये एक पावरफुल सिस्टम है, इससे ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली जा सकती है, लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है। सिर्फ अपने लिए नहीं हम जी सकते हैं, यहाँ पे हम समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये पावर है इसकी दोस्तों। तो अगर आपको राय लेनी है ना इस इंडस्ट्री के बारे में,
तो इन हस्तियों से राय लीजिए। आपके मोहल्ले में कोई राय नहीं देगा। आपको राय लेनी है दोस्तों, विवेक इंद्रा जी से राय लीजिए। भारत के बेहतरीन मोटिवेटर्स में इनकी गिनती होती है। इनके वीडियोज भरे हुए हैं। बेहतरीन बिजनेस कोच हैं, जो लोगों की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और इनकी एक बेहतरीन वीडियो थी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, कि जानिए एमएलएम की सच्चाई। इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे आपको राय लेनी है ना दोस्तों, तो इन महापुरुषों की राय लीजिए। मोहल्ले में राय नहीं मिलने वाली। और विवेक बिंद्रा जी ने क्या बात बोली है, ये बोलते हैं कि मैं मेरी संतान से भी कराऊंगा। सर ने बोला है कि मैं अपनी संतान से कराऊंगा, किस लिए? इसलिए नहीं कि वो जरूरी नहीं कि यहां पे आए और बहुत सक्सेस हो जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस इंडस्ट्री में जाएगा ना तो वो एक अच्छे इंसान के रूप में डेवलप होगा। इतनी पॉजिटिव इंडस्ट्री है, यहां सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होती है हर ओर। ये आम मार्केट नहीं है। आम मार्केट में एक दुकान एक बंदा खोलता है, उसके बगल में अगर कोई दूसरा बंदा वही दुकान खोलना जाए ना और उसे राय लेने चला जाए, तो कभी भी वो जिंदगी में नहीं चाहेगा कि ये दुकान खुले। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटर के साथ जैसे ही आप जुड़ते हो ना, वो पूरे दिल से पूरे जी जान से अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि आप उससे ज्यादा सफल हो जाओ। ये पावर इस इंडस्ट्री की दोस्तों, इतना पॉजिटिव माहौल होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। और अगर 2020 की बात करें, भविष्य की बात करें, तो दोस्तों आने वाला समय बहुत ही सुनहरा होने वाला है, क्योंकि आज के डेट में हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफी कुछ सोच रही है। इसने कई सारे गाइडलाइंस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आज के डेट में बनाए हैं। पहले हमारे पास कुछ भी नियम कानून नहीं था, कोई भी जिसको मन करे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही खोल लेता था। लेकिन आज के डेट में कंपनी ने, सरकार ने ढेर सारी गाइडलाइंस हम सब के लिए लेके आई है, जिसका फायदा इस इंडस्ट्री को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जब कुछ कानून गवर्नमेंट लेके आ जाएगी, तो ढेरों सारे जो आज ऐसे वैसे लोग भी इस इंडस्ट्री में सब आउट हो जाएंगे, फिर जेन्युइन कंपनियां ही बचने वाली है दोस्तों। और अगर बात की जाए भविष्य की, तो हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग अब बाजाबता यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना भी लगा है। दोस्तों आज हमारे पास मौका क्या है, आज एक अनपढ़ आदमी भी, अंगूठा छाप आदमी भी, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं कई एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा अभी। आज हमारे पास सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अंगूठा छाप आदमी इस इंडस्ट्री में आता है, हजारों रुपए लाखों रुपए महीना कमाता है। लेकिन आप सोच के देखिए, आने वाले समय में जब बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्रियां लेकर निकलेंगे, फिर वो कहां जाएंगे? उनके पास डिग्री होगी डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, फिर वो जरूर ढूंढेंगे कि यार इस शहर में अच्छी नेटवर्क कंपनी कौन है, अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी कौन है जिसका सालों से बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। और फिर बारी आती है कि उस कंपनी का सबसे बढ़िया नेटवर्कर यहां पर कौन है। आपको ढूंढ करके वो लड़का आपके नीचे ज्वाइन होगा, ये आने वाले समय में होने वाला है दोस्तों। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आपकी डिग्री नहीं देखती, आपकी उम्र नहीं देखती, आपकी पर्सनालिटी नहीं देखती, ये नहीं पूछती कि उसे आपसे क्या चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कहीं भी नौकरी ढूंढने चले जाओ, आपकी जब डिग्री सही है, एज सही है, पर्सनालिटी सही है, अनुभव सही है, सब कुछ सही है, इसके बाद वो आपको बताएंगे कि उन्हें आपसे क्या चाहिए। हेलो, अगर आप में से किसी ने नौकरी किया होगा, आप सबको पता होगा कि जब आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, तो वो कंपनी वाले जिन्होंने आपको नौकरी दी है, वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट आपके सामने रखेंगे कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, ये सब चीज वो बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है ना, ये नहीं बचती कि आपको क्या चाहिए, ये बोलती है, सॉरी ये नहीं बोलती
उसे आपसे क्या चाहिए, ये क्या बोलती है, आपको क्या चाहिए। ये इंडस्ट्री अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांग रही, ये सबसे पहला सवाल। जैसे ही आप ज्वाइन होते हो ना, आपके अपलाइन आपसे पूछते हैं, तो बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कहां पे घर लेना है। तो ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो आपसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए, समय की आजादी चाहिए, पैसों की आजादी चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये आपसे पूछती है। ये कौन सी इंडस्ट्री है दोस्तों, ये डी एक्शन वेलनेस इंडस्ट्री है, ये डी एक्शन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसे आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है, इसे आपकी उम्र से कोई मतलब नहीं है, इसे आपकी पर्सनालिटी से कोई मतलब नहीं है। इसे किस चीज से मतलब है, आपको क्या चाहिए, आप इसकी प्रायोरिटी में है, आपको क्या चाहिए, ये इंडस्ट्री आपसे पूछती है। और दोस्तों अभी थोड़ा सा माइंडसेट की हम लोगों ने बात की थी ना, थोड़ा सा बैक में चलता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी होंगे अभी, और आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाह रहे होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई वकील बनना चाह रहा होगा, कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहा होगा, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, कोई ऑफिसर, दुकानदार, ड्राइवर, गार्ड, क्लर्क, सिपाही, जो भी आप बनना चाह रहे हैं। दोस्तों कभी सोचा है कि ये चीज आप बनना क्यों चाहते हैं? आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं, आप वकील क्यों बनना चाह रहे हैं? करोड़ों करोड़ फीस देख करके लोग डॉक्टर बनने के लिए आज कोशिश कर रहे हैं जो सक्षम है। अल्टीमेट गोल क्या है? हेलो, हजारों लोग जो डॉक्टर बनने के लिए जो बच्चे जा रहे होंगे ना, उन हजारों में से शायद एक या दो ऐसे बच्चे होंगे जिनका दिली तमन्ना होगा कि नहीं यार, मुझे तो लाइफ में अगर कुछ बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे पैशन है उसका, डॉक्टर बनना है। बाकी के सारे लोग इस प्रोफेशन में इसलिए आ रहे हैं, सिर्फ एक चीज के लिए, उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उनको पता है कि इस प्रोफेशन में बहुत पैसा है, उनकी प्रायोरिटी पैसा है, उस प्रोफेशन से बाकी कोई लव उनके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग वकील बनना जा रहे हैं, क्यों, किस लिए, वकालत से लव नहीं है, इसलिए वकील नहीं बन रहे कि मैं निर्दोषों को न्याय दिलाऊंगा कल को। ऐसे गिने चुने लोग होंगे, मैक्सिमम लोग इस धंधे में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वहां पे पैसा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों सिंपल सी चीज है कि आपने जो भी कैरियर चुना है पैसे के लिए, आप सोच के देखो एक डॉक्टर बनने के लिए कितना टाइम लगता है, 8 से 9 साल तो आपकी डिग्रियां लेते लेते निकल जाएंगी। उसके बाद जब वहां से निकलोगे ना, तो किसी, ऐसा नहीं कि वहां से निकलते ही आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, वहां से निकलने के बाद किसी अच्छे डॉक्टर, वकील का भी यही हाल है, आपने डॉक्टरी कर ली, आपने वकालत कर ली, लेकिन उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे वकील के साथ में एक लंबा समय गुजारोगे आप, देन धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आने वाले 15-20 सालों के बाद आपका कैरियर बनता है। फिर भी सभी का नहीं बनता, यानी एक डॉक्टर एक वकील बनने के लिए आपने एक डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए, और करोड़ों रुपए लगा करके भी आपका भविष्य बनने की गारंटी नहीं है, बनेगा भी तो कब, 20 साल 25 साल के बाद। आमतौर पे एक डॉक्टर का कैरियर तब सेट होता है जब उनके बाल सफेद हो जाते हैं, जब उम्र ढलान पे आ जाती है तब एक डॉक्टर तब एक वकील का कैरियर सेट होता है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, समय लगेगा, पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा, और इसके बाद बिजनेसमैन वाला माइंडसेट होना चाहिए, वरना हम सबके सामने एग्जांपल है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों को विरासत में बिजनेस मिली, एक ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया और एक फिसल गया। तो दोस्तों हम किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं ना, इंजीनियर, ऑफिसर, टारगेट हमारा एक ही है, अल्टीमेट गोल हमारा एक ही है,
और ये अल्टीमेट गोल क्या है, हमें पैसा कमाना है। अब इन सारे कैरियर्स में समय देने के बाद, एक लंबा पेशेंस रखने के बाद आपका कैरियर बनता है, वहीं पे आज डीएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इस आम दुनिया में और यहां पे बेसिक फर्क क्या है दोस्तों? बेसिक फर्क बहुत ही सिंपल है कि बाकी दुनिया में हमें लाइफ लॉन्ग काम करना होगा एज ए डॉक्टर। एक डॉक्टर ने 10 साल काम कर लिया, 20 साल काम कर लिया, 30 साल काम कर लिया, चलो अभी बहुत सेटल डॉक्टर है, उसकी फीस 2500 है, उसके यहां मरीजों की लाइन लग रही है। लेकिन ये 25 साल काम करने के बाद भी अगर एक दिन के लिए डॉक्टर साहब को आप दोनों हाथ बांध करके घर में बैठा दीजिए, क्या उनको पैसा आएगा? नहीं आएगा। ये पैसिव इनकम की पावर उनके पास नहीं है। एक वकील साहब कितने भी सक्सेसफुल हो गए, लेकिन वो डेली जब तक काम करेंगे तब तक उनको पैसा आएगा। एक इंजीनियर, एक ऑफिसर, एक दुकानदार, एक ड्राइवर, सबके साथ ही लाइफ लॉन्ग आपको काम करते रहना होगा। लेकिन दोस्तों डी एक्शन में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, यहां 3 साल आपने देने, एक बना बनाया सिस्टम आपको इंतजार कर रहा है, एक वेल प्रूव्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे चलते हजारों लाखों लोग सक्सेस हो चुके हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, उस फॉर्मूले के उस सिस्टम को फॉलो करना है। और 3 साल ईमानदारी से इस सिस्टम को फॉलो करते हैं आप, तो लगभग 3 साल में आपकी रिटायरमेंट मिल जाती है। कैसे? पैसिव इनकम के साथ। यहां आपको जिंदगी भर सेम मेहनत नहीं करनी है, सिस्टम को फॉलो करना है। और 3 साल ईमानदारी से कर लिया, लाइफ टाइम के लिए रिटायरमेंट मिलती है पैसिव इनकम के साथ। ये सबसे बड़ा फर्क है जो भी कैरियर आप बनाएंगे और इस बिजनेस के अंदर। तो सिंपल चीज है यहां पे कि एक आम आदमी कोई भी हो, उसके पास डिग्री नहीं है कोई बात नहीं है, उसकी उम्र ज्यादा हो गई है कोई बात नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है कोई बात नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं है, उसे एक चीज करना है। क्या करना है? फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करके कोई भी बंदा यहां पे सक्सेस हो सकता है। और सिस्टम होता क्या है दोस्तों? सिस्टम की एक बड़ी खूबसूरत परिभाषा है कि सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। दोस्तों ये सिस्टम बना हुआ है, ये बड़े अनुभवी लोगों ने बनाया हुआ है, जो खुद उस रास्ते पे चले हैं, उनको पता है कहां पे रास्ते में गड्ढे हैं, कहां पे रास्ता फिसलन भरा है, कहां पे जानलेवा है, उन सब के एक्सपीरियंस से ये सिस्टम बना हुआ है। तो आदमी जब सीखता है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा कि होशियार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन जो बहुत होशियार होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो यहां पे आपने सिस्टम को अगर फॉलो किया, तो मतलब सिस्टम आपको वो सारी चीजें बता रहा है जो गलती आपके आपके पहले आए लोगों ने की थी, और उसको फिल्टर करके उन्होंने सिस्टम बनाया। यानी इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका पैसा, अभी आप गलती करके सीखोगे तो आपका पैसा जाएगा, समय जाएगा, एनर्जी जाएगी। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे जो पहले से ही एक्सपीरियंस लोगों ने बनाया हुआ है, तो क्या होगा? आपको अपना पैसा, आपको अपना समय, आपको अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी होगी। इसको किए बिना आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये खूबसूरती होती है सिस्टम की दोस्तों। तो सिंपल चीज है, इस इंडस्ट्री में, डी एक्शन मार्केटिंग में, डी एक्शन डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आ जाते हैं, आपने ये 3 रूल्स को फॉलो करना है। डी एक्शन आरबीसी 7x6, डी एन आरबीसी 11 core steps और डी एक्शन आरबीसी 6 cardinal rules। ये 3 को फॉलो करके दोस्तों दुनिया में कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो,
डिग्री हो नहीं हो, योग्यता हो नहीं हो, अनुभव हो नहीं हो, सक्सेसफुल हो सकता है। और ये तीनों की अगर बात की जाए तो ये तीनों है क्या, सबसे पहले 7 basics। मैं थोड़ा स्पीड में इन चीजों को बताऊंगा कि मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने सपनों और अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। दोस्तों, आपका सीनियर, आपका अपलाइन आपको जुड़ते ही बोलता है कि आपकी लिस्ट रेडी है, आपके ड्रीम की लिस्ट रेडी हो गई, आपके कॉन्टेक्ट रेडी हो गए। क्यों बोलता है वो, सिस्टम, आपने सिस्टम को फॉलो करना है। आपका अपलाइन आपको सिस्टम से उठा रहा है। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे, अपना एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम इन्वेस्ट करके अकल बाद में आएगी, फिर फाइनली सिस्टम ही फॉलो करना है। सेकंड, यूज प्रोडक्ट्स एंड मेक रिटेल सेल्स डेली। प्रोडक्ट को यूज करना है और मेक रिटेल सेल्स डेली, प्रयास करना है कि रोज कुछ ना कुछ हम प्रोडक्ट्स को रिटेल करें। कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट डेली, रोज हमें मिलना है, इन्वाइट करना है। शो द प्लान डेली, रोज हमें लोगों को प्लान दिखाना है। फॉलो अप, क्लोजिंग एंड स्पॉन्सरिंग। परचेज द बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल यू नीड टू गेट स्टार्टेड। जो भी चीजें बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ किताबें, जो भी जरूरी टूल्स होते हैं, ये सबको इकट्ठा करें और टीम वर्क करें। ये हमारा 7 basics है। इसके अलावा जो कोर्स है हमारे 11 core steps, ये क्या है, सेट योर गोल। जब ड्रीम के साथ आप डेट डिसाइड कर लेते हो तो क्या बन जाता है, हमारा गोल बन जाता है। आपने एक बड़ा सपना देखा है, लेकिन उस बड़े सपने को पूरे करने के लिए क्या करना है, आपने छोटे छोटे गोल्स में उनको बांट देने, क्योंकि बड़ा ड्रीम एक झटके में पूरा नहीं होने वाला। तो आपको अपना मंथली टारगेट लेना है, इस महीने मुझे क्या करना है, इस 6 महीने मुझे क्या करना है, तो ये छोटे छोटे टारगेट लेना है। रिटेल डेली स्टार्ट विद IOC एज सीट स्टॉक। IOC का हमें लाभ लेना है दोस्तों, इतना बेहतरीन चीज हमें डॉक्टर लिम ने दिया है, 20,000 रुपए वाली IOC। लेकिन इसका लाभ कैसे लेना है, एज सीड स्टॉक। आप खुद के लिए लें और टीम में इसको प्रमोट करें, लोगों को बताएं। शेयर 1 plan मिनिमम एवरी डे, रोज कम से कम एक प्लान दिखाना है। एड 2 name इन योर लिस्ट एवरी डे, रोज अपने लिस्ट में 2 नामों को एंटर करना है। डू एट लिस्ट 1 personal स्पॉन्सरिंग एवरी वीक, सप्ताह में कम से कम 1 नई लाइन खोलने का पूरा प्रयास करना है, खोलना है। अटेंड वीकली एंड मंथली मीटिंग विद योर न्यू प्रोस्पेक्ट। अभी तो मीटिंग सारी की सारी ऑनलाइन हो रही है, लेकिन जब भी ये नॉर्मल मीटिंग्स होंगी तो हमें क्या करना है, वीकली मंथली मीटिंग नए प्रोस्पेक्ट के साथ में अटेंड करना है। अटेंड ऑल बिग इवेंट्स एंड रेसिडेंशियल कैंप्स विथ योर टीम मेंबर। जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, अपनी टीम के साथ में अटेंड करना है। रीड बुक्स एंड लिसन वीडियो क्लिप 30 मिनट्स एवरी डे, डेली हमें सुनते रहना है। दोस्तों, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, आप एक दिन कुछ भी सुन लेंगे वो अगले दिन गायब हो जाता है। ये डेली चाहिए, हम डेली का खुराक हमारा होना चाहिए। और डेली उनके नोट्स बनाइए। रेगुलर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव रियल अपलाइन। एक्टिव रियल अपलाइन, जो भी आपने, जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है, बहुत बार क्या होता है कि वो बिजनेस में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके ऊपर जाइए, कोई ना कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ है जो ढूंढ रहा है काम करने वाले आदमी को, उनके टच में आ जाइए। आप जैसे ही अपना काम करके दिखाएंगे ना, आप अपने आप को दिखाइए कि मैं मेहनती हूँ, वो बंदा, वो खुद हो सकता है आपको ढूंढ के निकाल लें, नहीं तो आप उनके टच में आ जाइए और उनसे सीखिए, उनसे काउंसलिंग लेते रहिए। बी अकाउंटेबल, टीचेबल एंड डू कंसिस्टेंट वर्क। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट एवरी डे, इन चीजों को रोज डुप्लीकेट करना है। और तीसरा जो है हमारा DXNRBC 6 cardinal rules, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद एक्टिव अप्लाइंग। कुछ भी नया चीज आपको खुद से नहीं आजमाना है, अपने एक्टिव अप्लाइंग से सलाह लिए बिना। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों ने भी बात की थी ना, सिस्टम, सिस्टम क्या है, अपलाइन, आपके सीनियर्स ने जो सीखा हुआ है, जो अनुभव लिया, वो आपको फिसलने नहीं देंगे, वो गलती करने नहीं देंगे, गलतियां होना से बचाएंगे। तो उनसे राय लिए बिना कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं करें जो सिस्टम से अलग हो। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन।
कुछ भी ऐसा नेगेटिव न्यूज कभी भी आ जाता है आपके पास, तो गलती से भी उसको अपने डाउनलाइन या फिर क्रॉस लाइन तक लेके ना जाएं, सीधा उसको अपने सीनियर के साथ डिस्कस करें। क्योंकि नेगेटिव अगर आपके नजर में आ गई है तो आपके सीनियर आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे और फिर उस चीज के बारे में पॉजिटिव राय आपकी बन जाएगी। नेवर मेस अप विथ एनी बॉडी मनी ईगो एंड फैमिली, नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेंट, नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस, डोंट लाई अवॉइड बोस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। ये सारी चीजें आपको अगर आपने सुभाष सर की मीटिंग अटेंड की होगी, नहीं की होगी तो ऑनलाइन सारी की सारी चीजें हैं। इन रूल्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। आप एक बार सुभाष सर की वो मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए जिसमें ये सारे रूल्स बहुत ही डिटेल में बताए गए हैं, डीएक्सएन आरबीसी चैनल पे अवेलेबल है। और सिंपली आज के डेट में, क्योंकि आज दोस्तों ये कोरोना की वजह से जहां हम फिजिकल मीटिंग्स बाहर नहीं कर पा रहे हैं, सारी की सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है, तो हम सबका पहला दायित्व है यहाँ पे कि हम सभी अभी डीएक्सएन आरबीसी चैनल के साथ में प्लग्ड हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे डेली 7 बजे आपके लिए कुछ ना कुछ नया आ रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ नया मोटिवेशन इंस्पिरेशन सब स्टोरी दी जा रही है, इसके साथ हमें प्लग होना है और इस टूल को यूज करना है। आपका एक नया बंदा अगर आपके साथ जुड़ रहा है, आपका एक नया प्रोस्पेक्ट है जिससे आपकी बात चल रही है, तो आप देखो ये किस फील्ड का बंदा है और आरबीसी चैनल पे आप देख लो उसके फील्ड से जुड़ी हुई एक कहानी निकालो और ये लिंक उसके भेज दो कि भाई आप जिस फील्ड में हो उसी लिंक से हमारे इंडस्ट्री में एक लीडर है, आप इनकी बात सुनिए। और इस तरह से आप यूज ले सकते हो इस आरबीसी चैनल का। तो इससे हमें निश्चित रूप से दोस्तों क्या हो जाना है, प्लग्ड हो जाना है। और अभी आने वाले समय में हमारे लिए प्रोफेसर साहब एक बहुत जबरदस्त चीज लेके आ रहे हैं कि 10,000 जो फास्टेस्ट अर्न करेंगे, इसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मिल ही चुकी होगी, नहीं मिली है तो अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप इसके लिए, कि 10,000 जो फास्टेस्ट अचीवर्स आएंगे इन लोगों को अब मौका दिया जाएगा आरबीसी चैनल के ऊपर में। ये बहुत ही बड़ी बात होगी दोस्तों, उनके टीम से जुड़े 3 जो उनके सीनियर्स होंगे उनके साथ में, स्टार रूबी स्टार डायमंड जो भी उनसे लिंक्ड है, तो ये कितनी बड़ी बात होगी कि एक नया बंदा आता है और वो अगर सपोज कीजिए कि आपने किसी बंदे की हेल्प करी 10,000 रुपए फास्टेस्ट कमाने में, वो आता है आरबीसी चैनल पे और आरबीसी चैनल पे आके जहां हजारों लोग आपको देख रहे हैं वो बताता है कि यार ये हमारे सीनियर है, ये हमारे अपलाइन है, ये वो आदमी है जिन्होंने मुझे मदद किया है 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए कमाने में। सोचो क्या आपका रेपुटेशन होगा, क्या आपकी प्रेस्टिज बनेगी दोस्तों इस चैनल पे आने का। ये जबरदस्त मौका हम सबके लिए खुल गया है, क्योंकि अभी तक ये मिलियनेयर क्लब वालों के लिए खुला हुआ था, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ना इसको आप ध्यान से समझिए, यानी कि अभी ये मौका सबके लिए खुल गया, अब इसमें बॉन्ड खत्म हो गया, अब सीधा सा बॉन्ड एक ही है कि 10,000 इनकम वाला एक नया बंदा फटाफट क्रिएट करना है। आप स्टार एजेंट हो कोई बात नहीं है, 10,000 वाले फटाफट बनो, एक 10,000 वाला फटाफट अपने नीचे बनाओ, आप इस चैनल पे आ सकते हो। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना दोस्तों अब इतना आसान हो गया है, इसे एक टारगेट की तरह हम लोगों को लेना है और आने वाले दिनों में बिजनेस को बूम करेगा ये टारगेट दोस्तों। हर आदमी कसम ले कि मैं एक 10,000 कमाने वाला अपने नेटवर्क से बहुत जल्दी लाऊंगा। टारगेट लीजिए कि मुझे इस चैनल पे आना है, अपने टीम के साथ में आना है, अपने 10,000 अचीवर के साथ आना है। दोस्तों आने वाले समय में बहुत कुछ हमें बेहतरीन मिलने जा रहा है। सिंपल चीज है दोस्तों कि इस सिस्टम को अपना के आरबीसी सिस्टम के साथ प्लग होके आरबीसी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इस सिस्टम को अपना कर आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और दोस्तों आज हम ऐसे ही कुछ लोगों से परिचय करेंगे जो डीएक्सएन और डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम को अपना कर इसके साथ प्लग्ड होकर साधारण से असाधारण बने। पहला एग्जाम्पल जो मेरा है, ऐसे व्यक्ति की कहानी है
जिनकी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक हुई है, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल, जिनकी पर्सनालिटी बेहद साधारण और इनके पास एक्सपीरियंस किस चीज का था? मजदूरी का था। मेहनत मजदूरी करके इनकी जिंदगी चल रही थी दोस्तों। ऐसा आदमी अपने लाइफ में क्या कर सकता है, कितना बड़ा सोच सकता है, कहां तक पहुंच सकता है? सिंपल चीज है, माइंडसेट का गेम है। जिस दिन आपने माइंडसेट बदल लिया आपकी जिंदगी बदल जाएगी। माइंडसेट नहीं बदलोगे, डॉक्टर की डिग्री लेके इंजीनियर की डिग्री लेके भी चपरासी की नौकरी का फॉर्म भरते रह जाओगे। तो इस 12वीं पास और मजदूरी के अनुभव वाले आदमी ने जिस दिन अपने माइंडसेट को बदल लिया, इसने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। कौन सी यूनिवर्सिटी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलियनर्स, जो हमारा आरबीसी सिस्टम है दोस्तों। और देखिए आज स्थिति क्या है कि मजदूरी से निकल करके एक साधारण सा लड़का जिसने इंटर तक पढ़ाई की थी, आज डी एक्शन आरबीसी मिलियनेयर क्लब का मेंबर है। तो मैंने शुरू में बताया था दोस्तों कि सारा गेम, प्रॉब्लम बेरोजगारी नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट नहीं बदलोगे, बड़ी से बड़ी डिग्री लेकर भी चपरासी की नौकरी का फॉर्म भरोगे। जिस दिन माइंडसेट बदल जाएगा, एक मजदूर की जिंदगी भी ऐसी बदल सकती है। क्या हम लोग सपने में भी सोच सकते हैं कि कोई मजदूर ऐसी जिंदगी जिएगा, हवाई जहाज से चलेगा, अपनी कार में घूमेगा, एक बेहतर लाइफस्टाइल अपने लिए, आने वाले भविष्य के लिए? ये पावर है दोस्तों सिस्टम की। एक और एग्जांपल लेता हूं। एक ऐसा आदमी जिसने 12वीं तक पढ़ाई की और इनकी उम्र तो 50 साल, पिछले लड़के की जो हमने बात की थी यंग था अभी 18 साल, इनकी उम्र 50 साल, पर्सनालिटी बेहद साधारण और एक्सपीरियंस किस चीज का? रेडियो मैकेनिक, रेडियो बनाने का, वो भी एक छोटे से गांव में, एक छोटी सी जगह में। आप सोच सकते हैं इनकी जिंदगी कैसी रही होगी, किस लेवल पे रही होगी दोस्तों। लेकिन सारा गेम माइंडसेट का है। इस आदमी ने डिसीजन लिया कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। इन्होंने सिस्टम को अपनाया, आरबीसी सिस्टम के साथ प्लग्ड हुए। नतीजा क्या है? आज डी एक्शन आरबीसी मिलियनेयर क्लब के मेंबर है। और ये ग्रेट लीडर है हमारे यूपी से, श्री रामाशीष गुप्ता जी। आप इनके घर पे जाएंगे तो देखेंगे 2 तल्ला शानदार मकान इन्होंने बनाया हुआ है और घर के ऊपर में डी एक्शन का बड़ा सा लोगो बनवाया हुआ है। तो ये पावर है दोस्तों सिस्टम की और माइंडसेट को चेंज करने की, कि आदमी यहां से उठ के यहां तक आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और लड़के की कहानी है। इसकी डिग्री 10वीं, उम्र 18 साल, पर्सनालिटी बेहद साधारण और अनुभव साइकिल पर कपड़े बेचना। आप सोच सकते हैं कि ऐसे ढेरों लोग आपके आसपास होंगे, आपने देखे होंगे इनकी जिंदगी कहां तक जाती है, इनके जिंदगी में क्या बदलाव आता है, ये कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं। लेकिन सिंपल चीज दोस्तों कि इस लड़के की जिंदगी में भी कोई डिएक्शन लेकर आता है और ये बंदा अपने माइंडसेट को बदलता है। ये चाहता ना तो सोचता नहीं, यार ये मेरी जिंदगी में तो यही है, मेरे बाप ने कपड़ा बेचा था, मैं भी कपड़ा बेचूंगा, मेरे बच्चे भी कपड़ा बेचेंगे, हम लोग इसीलिए पैदा हुए हैं। लेकिन नहीं, इसने अपनी सोच को बदला, इसने अपने माइंडसेट को बदला, इसने सिस्टम को अपनाया और आज ये लड़का भारत भर में एग्जाम्पल दिया जाता है, रोशन। एक छोटा सा लड़का, अभी इसकी दाढ़ी मुझ सही से नहीं आई है, 3-3 गाड़ियां बदल चुका है। ये पावर है दोस्तों सिस्टम की, सिस्टम के साथ प्लग्ड होने की। यानी सिस्टम के साथ अगर आप प्लग हो जाते हैं ना, आपकी जिंदगी बदलनी गारंटी है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो 12वीं पास है, 32 साल इनकी उम्र है, पर्सनालिटी बेहद साधारण है और अनुभव किस चीज का है? मजदूरी करने का, अंडे बेचने का। हेलो,
अंडे बेचने वाले न जाने कितने लोग हमारी सोसाइटी में भरे हुए हैं। और गेम सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है दोस्तों, कि माइंडसेट अगर आपका चेंज नहीं हो, इंजीनियरिंग की नौकरी डिग्री लेकर के भी फॉर्म भरोगे चपड़ासी वाली, लेकिन अगर माइंडसेट बदल जाए ना, तो ये अंडे बेचने वाला आदमी भी सिस्टम को अपना कर, सिस्टम की बहुत पावर है दोस्तों, सिस्टम को अपना कर आज ये जिंदगी जी रहा है, अपनी फोर व्हीलर अचीवर, और सिर्फ अपनी नहीं, आज ये दूसरों को गाड़ियां खरीदवा रहे हैं, इनकी नेटवर्क में, इनकी टीम में और भी नए अचीवर्स निकल के आ रहे हैं। ये पावर है इस सिस्टम की दोस्तों, कि आदमी अपनी जिंदगी नहीं बदलता है, दूसरों की जिंदगी भी बदलता है। ये सिस्टम की पावर है। हमारा अगला एग्जांपल है एक ऐसा कपल जिसमें से एक की पढ़ाई 10वीं तक हुई है, दूसरे की 12वीं तक, उम्र लगभग 30 साल, पर्सनालिटी बेहद साधारण, और एक्सपीरियंस अगर बताया जाए तो कपड़ा सिलाई का अनुभव था इनके पास, और किराना का छोटा सा दुकान चलाने का अनुभव था। ऐसे कितने सारे लोग हम लोगों ने देखे हैं ना, कितने सारे लोग हमारी सोसाइटी में भरे हैं। लेकिन सिंपल चीज है दोस्तों, माइंडसेट। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा कि माइंडसेट अगर आप नहीं बदलेंगे ना, इंजीनियर की डिग्री लेकर भी चपड़ासी का फॉर्म भरते रहेंगे। और माइंडसेट अगर एक बार आपने बदल लिया ना, तो ये किराना का दुकान, ये कपड़े की सिलाई करने का एक्सपीरियंस लेकर के भी आप RBC मिलियनेयर क्लब के मेंबर बन सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। उस गरीबी से निकल के दोस्तों आज ये लोग यहां पे खड़े हैं, अपना गाड़ी, अपना घर, विदेश यात्रा, हजारों लोगों के सामने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। सपने में ये सारी चीजें होती हैं, ये इनकी जिंदगी में सच में हो रही है, ड्यू टू सिस्टम, सिस्टम की पावर है। और हमारी जो एक और कहानी है यहाँ पे, टेम्पो वाले DXN RBC पे इनकी कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो एक बार सुनिए जरूर, क्या धांसू बोलते हैं ये। एक समय नदियां पार कराते थे, ऑटो चलाते थे, आज अपनी i20 चलाते हैं दोस्तों। ये पावर है सिस्टम की। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट करूंगा, माइंडसेट। एक बार आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया ना, अपने माइंडसेट को बदल दिया, अपनी सोच को बदल दिया, अपनी आदत को बदल दिया, अपनी संगत को बदल दिया, आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और एक और अंतिम स्टोरी जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो अंगूठा छाप कहानी है, एक ऐसी कहानी जो व्यक्ति अंगूठा छाप है और इसकी उम्र भी काफी हो चुकी है, 42 इयर्स, पर्सनालिटी बहुत ही साधारण, एक्सपीरियंस किस चीज का है, रिक्शा चलाने का, मजदूरी करने का। आप सोच के देखिए दोस्तों, कि ऐसा आदमी हमारे सोसाइटी में भरे हुए हैं, ऐसे लोग क्या कर पाते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन वहां भी सिंपल चीज आता है कि माइंडसेट, इनके पास अपॉर्चुनिटी है, इन्होंने अपने माइंडसेट को बदला, सिस्टम को अपनाया, माइंडसेट सिस्टम, माइंडसेट को चेंज किया, सिस्टम को अपनाया, आज ये लोग DXN RBC मिलियनेयर क्लब के मेंबर हैं दोस्तों। आप सोच सकते हैं, रिक्शा चलाने से लेकर के यहां तक की कहानी सिर्फ दो चीजों की पावर है, माइंडसेट, सिस्टम। दोस्तों सिंपल चीज है कि अगर आपने भी माइंडसेट चेंज करने की ठान ली, सिस्टम को फॉलो करने की ठान ली, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और यहाँ एक चीज प्रूव हो जाती है कि अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है?
DXN। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने अभी भरे पड़े हैं। और दोस्तों अगर आज की बात की जाए, करेंट सिनारियो की बात की जाए, तो ये जो झंडा हमारे सामने खड़ा है ना दोस्तों, हम जब भी देखते हैं सीना चौला हो जाता है, गर्व से अपने आप सैल्यूट करते हैं, हाथें अपने आप सैल्यूट करती हैं, देशभक्ति का जज्बा उमड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों ये देशभक्ति है क्या? झंडे को देखकर सलामी देना देशभक्ति है? बहुत शॉर्ट में मैं बातें करने वाला हूं, 5 मिनट और ध्यान से सुनिए। क्या झंडे को सलामी देना ही देशभक्ति है? क्या झंडा लेकर के जुलूस में चलना देशभक्ति है? देशभक्ति क्या है? क्या गाड़ी के बोनट पे, गाड़ी के डैशबोर्ड पे देश का झंडा लगा लेना देशभक्ति है? क्या छोटे छोटे झंडे लेकर के जुलूस में चलना देशभक्ति है? दोस्तों देशभक्ति क्या है? मैं बहुत सिंपल शब्दों में बात करूंगा। आज के डेट में जो देश की हालत है ना, जॉब मांगने वाले करोड़ों हैं, आज जॉब देने वालों की देश को जरूरत है दोस्तों। और अगर आज की बात की जाए तो जॉब क्रिएट करने वाला है सच्चा देशभक्त। आज आप झंडा लेके चलना देशभक्ति नहीं है, अगर आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, आप सच में देशभक्ति दिखा रहे हो, क्योंकि आप देश के काम आ रहे हो। आज देश को इसकी जरूरत है दोस्तों। छोटे सपने देखने वाले करोड़ों हैं और बड़े सपने देखने वालों की ज्यादा जरूरत है इस देश को। और आज बड़े सपने देखने वाला है सच्चा देशभक्त, क्योंकि जो बड़े सपने देखेगा ना, उसके साथ कई लोगों के छोटे छोटे सपने पूरे होंगे। और जिसका अपना ही सपना छोटा होगा, वो जिंदगी अपने सपने में घुट के मर जाएगा। तो दोस्तों आज बड़े सपने देखना सच्ची देशभक्ति है। और सिर्फ अपने लिए सोचने वाले करोड़ों हैं, पर समाज और देश के लिए सोचने वालों की ज्यादा जरूरत है आज इस देश को। तो आज जिसके काम से समाज और देश को लाभ हो ना, आज वो है दोस्तों सच्चा देशभक्त। आप सोच के दोस्ती देखिए दोस्तों, आज DXN के रूप में हमारे पास क्या पावर हाथ लग गया है। आप देश में हर साल 50 लाख ग्रेजुएट आ रहे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी कंपनी इन सबको जॉब नहीं दे सकती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में वो पावर है कि हर किसी को काम दे सकती है। तो आज देश के सामने जो बड़ी समस्या है, इम्यूनिटी, बेरोजगारी, इन दोनों का हल किसके पास में है? आपके पास में, DXN के पास में। तो दोस्तों सिंपल चीज हमें करना है, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अगर आप इस समय अपने देश के काम आना चाहते हैं, तो बस एक काम करना है कि आइए हम सब मिलकर कसम लें कि हर साल कम से कम एक गरीब बेरोजगार की मदद करेंगे, उसे DXN RBC मिलियनेयर क्लब का पिन दिलवाएंगे। यानी एक जिंदगी हमें हर साल बदलनी है दोस्तों। और अगर ऐसा हम सब कसम खा लें, हमारा देश खुशहाल होगा या नहीं, आप देश के काम आएंगे या नहीं, आप सोसाइटी के काम आएंगे नहीं, और ये सच्ची देशभक्ति होगी कि नहीं, ये आपको सोचना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वेलकम वेलकम टू प्रिय रंजन कुमार। अबे आपने कमाल कर दिया यार। As usual, आपने मार्केट को हिला दिया आज। जो हमारा सोच है, RBC का सोच है, जो हमारा, हमने जो DXN खोला 20 वर्ष के पहले, ये सोच का आदर पर ही हमने खोला।
हमने जब सिक्योर्ड जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी सैलरी, पेंशनेबल जॉब को छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग को आने के लिए, और मैडम ने अस्पताल को बंद करके नेटवर्क मार्केट को आने के लिए, लोग बताया ये लोग पागल है, ये लोग हुआ क्या, हो गया बर्बाद हो गया बता, ये लोग बताए बर्बाद होने के लिए ये लोग क्या अस्पताल बंद करता है, प्रोफेसर को अकल है क्या, प्रोफेसर ने ये चोड़ी को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को छोड़ कर, उस समय प्रिंसिपल बनने वाला का था प्रमोशन में, ये सभी छोड़कर ये एमएलएम के पीछे क्या बात है, ये इसको अकल ठीक नहीं है, बर्बाद हो गया बताया। हमने लगभग 30 बरस काम करने के बाद ये सभी हमारे दिमाग को हो गया, हमने क्या किया है, कितना लाइफ को बदल दिया, कितना लाइफ को हमने अपॉर्चुनिटी को दिखाया, कितना लोगों को लाइफ हम बदल सकता है थ्रू चेंजिंग देयर एटीट्यूड, उसको मनोभाव को चेंज करके, हमारा मनोभाव फर्स्ट चेंज होना, दूसरों का मनोभाव को चेंज कर।